सुस्वागत। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉगिन कैसे करना है और डैशबोर्ड वर्क कैसे करता है। हम विजिटर लॉगिन से लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और लॉगिन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं या फिर पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। ये हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, अब पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। और लॉगिन करते ही हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके। सो अभी के लिए हम अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल में हम एड्रेस डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। और नेक्स्ट है कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट है फ़ोटो डिटेल्स, यहाँ से हम फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ई पास डाउनलोड करना चाहते हैं तो टुडेज़ ई पास से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ई पास पे क्लिक करेंगे और पास डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपकमिंग अप्रूव्ड रिक्वेस्ट देख सकते हैं, अपकमिंग अप्रूव्ड रिक्वेस्ट ऑप्शन से। नेक्स्ट है पेंडिंग रिक्वेस्ट, यहाँ से हम जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं देख सकते हैं और रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हैं वो भी कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिजेक्टेड एक्सपायर्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम जो भी रिजेक्टेड रिक्वेस्ट हैं या एक्सपायर्ड रिक्वेस्ट हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल विजिटेड विजिट्स, यहाँ पर जितना भी विजिट किया है हमने वो देख सकते हैं। तो ये था लॉगिन और डैशबोर्ड के बारे में। धन्यवाद।